व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाइंड अप है। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए स्पेसिफिकली फुकरा इंसान की नई वीडियो, इन विच ही बिकेम अ प्रॉपर्टी डीलर टू टर्न 1 रुपी इंटू अ कार। तो अभी तक वो वाला सीरीज चालू है, तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स वॉच द वीडियो। द बेस्ट बिजनेसेस जिससे लोगों ने अपनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट किया। वो कहानियां सुनते हो ना आप, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, आधे से ज्यादा लोगों ने यही बिजनेस करा। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस। तो हम भी देखते हैं कि हम इससे पैसे कमा पाते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। Let's go. Okay, तो वीडियो चालू करने से पहले बता दूं आपको, this is part 9 of turning rupees 1 into a car and literally. But time काफी हो गया अब तो। पिछले 8 parts में हमने क्या-क्या नहीं कराया? Grocery store, secret YouTube channel, drop shipping, Uber driver, Zomato rider. But हाँ, थोड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ेगा कि अब हमने ग्रोसरी स्टोर बंद कर दिया है, क्योंकि जो हमारा लैंडलॉर्ड था उसने बोला भाई 3 महीने का एग्रीमेंट था एंड हम चाहते हैं आप उसको खाली कर दो। एंड भाई मैं सही बताऊं, उस पे ना प्रॉफिट भी बहुत, मतलब रेयर प्रॉफिट्स हो रहे थे यार, मेरे को कुछ बच ही नहीं रहा था। तो अब मैं आपको फाइनल शीट बता देता हूं, हमारे पास अभी इन हैंड बैलेंस क्या है। अभी हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट है 2,75,000 का। इस अमाउंट को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टी वाली लाइन में। अब आप सोच रहे होगे कि भाई प्रॉफिट्स कैसे कमाएगा ये प्रॉपर्टी लाइन में, यही तो मास्टर टेक्निक है, आओ शुरू। तो गाइस बेसिकली जो प्रॉपर्टी डीलिंग होती है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली आपने एक बायर को सेलर से मिलवाया और एक प्रॉपर्टी को बेच दिया और उस पे आपने कमीशन ले लिया। ओके गाइस, तो मैं हूं एएम प्रॉपर्टीज, अभिषेक मलहन प्रॉपर्टीज। और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम नितेश। क्या हुआ आपका, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? घर बेचना है, बिक नहीं रहा। ये वाला घर बेचना है? हां भाई, ये वाला बेचना है। फुकरे का घर बेचना है भाई, को बिकवा दो। हाँ जी। अच्छा आपका है, कितने का बेचना चाहते हो? भाई 10 लाख का बिकवा दो, मैं तो दे दूंगा। अच्छा भाई साहब 10 लाख का बेचना चाहते हैं। तो भाई साहब 10 लाख का बेचोगे तो मैं बिकवा दूंगा, पर मुझे लगेगी कम से कम 5% कमीशन। 10 लाख का तो मैं भी खरीद लूंगा ये वाला घर। 5 ज्यादा है, 2.5 में डन करते हैं। चलो ठीक है, डन है। मैं कोई बायर। अरे प्रॉपर्टी डीलर की 1% कमीशन होती है, 2.5% कहाँ से आ गया? लेके आता हूँ, प्लीज थोड़ा जल्दी ढूंढ। ठीक है भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं। प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, देर से ढूंढ रहा हूँ। किस लिए चाहिए? खरीदनी है। खरीदनी है? कितने की प्रॉपर्टी खरीदनी है? 8-10 लाख का बजट है। 8-10 लाख का बजट है भाई साहब। एक प्रॉपर्टी नजर में 10 लाख की लेना चाहोगे? बढ़िया ले लूंगा भाई, पर 5% कमीशन लगेगा। 2.5 तक दे दूंगा भाई, 2.5 से ऊपर नहीं। 2.5 तक कमीशन ये दे देंगे। ठीक है डन। भाई साहब हाँ जी, मिलिए इनसे। आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी थी? बिल्कुल बेचनी है। आपको ये प्रॉपर्टी पसंद है? ले लेते हैं भाई, 10-10 लाख प्राइस में डन। डन, हाथ मिलाइए। थैंक यू। 2.5% कमीशन लाओ, जेब में डाल दो, पीछे वाली ये डाल दो। 10 लाख, 10 लाख पे 2.5% कमीशन इनसे ली। 2.5% कमीशन, 10 लाख पे 2.5% कमीशन इनसे ली। 2.5% कमीशन इनसे ली, 5% मतलब मेरा 50,000। आप दोनों मस्ती कीजिए, हम चलते हैं, हमारी कमाई हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेंट चीजों में कैसे होता है। मतलब मानो अगर रेंट में भी सेम होता है, 1 मंथ डील होती है, 1 महीने का रेंट इधर से, 1 महीने का रेंट उधर से, या फिर आधा आधा रेंट उधर से, मेरे ख्याल से ऐसा। यही सेम प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ानी हो तो इसमें देखो बायर सेलर नहीं होता, इसमें एक लैंडलॉर्ड होता है और एक टेनेंट होता है। मानो अब यही 10 लाख की प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड कहता है भाई इसका मेरे को रेंट चाहिए 25,000 रुपए। तो जो टेनेंट होता है वो कहता है हाँ ठीक है भाई, मतलब पूरी बार्गेनिंग करके कहता है भाई मेरे को ना 20,000 में चाहिए। और मैं कहता हूँ ठीक है लैंडलॉर्ड भाई, तू भी थोड़ा पैसा कम कर ले, 20,000 में डील फाइनल करते। तो अगर मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट की डील एग्रीमेंट हो जाता है भाई 20,000 रुपए में ये प्रॉपर्टी रेंट पे जाएगी, तो मुझे फर्स्ट मंथ का जो रेंट होगा 20,000 का, वो लैंडलॉर्ड भी देगा और टेनेंट भी देगा। तो मतलब मैं बेसिकली 40,000 रुपए कमा लूंगा। तो ये अभी मैंने आपको माड़ी मोटी बातें तो करके दिखा दी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि ये सारी चीजें कैसे होने वाली है। तो आओ शुरू करते हैं और सही में थोड़े पैसे कमाते हैं। लेट्स गो। तो गाइस अब जब हमें एक्चुअली काम करना है तो मैं रियलाइज करता हूँ ना हमारे पास सेलर है, ना हमारे पास बायर है, ना हमारे पास लैंडलॉर्ड है, ना हमारे पास टेनेंट है। तो हमारे पास एक्चुअली में है क्या? कुछ नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है भाई। माय लॉर्ड, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअली अपने जितने भी प्रॉपर्टी डीलर फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करने वाले हैं, और जितने एक्चुअली डीलर्स को हम जानते हैं हम उनको कॉल करके कहने वाले कि भाई हमें पता है तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट तुम्हारे को बायर, परफेक्ट बायर चाहिए। एक जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसके पास ऐसे हजारों प्रॉपर्टी होते हैं दिमाग में कि भाई ये भी बिक रही है, 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 बट 1,000 बायर्स तो नहीं होते। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रॉपर्टी बिकते हैं उसके पीछे वो आधा आधा कर लेते हैं, मतलब जो भी कमीशन, 4-4, 6-6 बायर होते हैं और सब कमीशन डिवाइड करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम कॉल करने वाले हैं अमर को। अगर आपको नहीं पता अमर कौन है, तो वो हमारा फ्रेंड है जिसने एक्चुअली ग्रोसरी स्टोर भी हमारे को दिलवाया था उस वीडियो में। हेलो हेलो
Yes, this is this Mr. Amar? Yes. Yes, Amar, how are you? बढ़िया बढ़िया भाई. क्या हाल है? धंधा पानी कैसा चल रहा है? मजेदार मजेदार चल रहा है. ऐसे तूने डायलॉग तो मार दे फिर वो धंधा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है. थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं हो रही. मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे को एकदम वो फर्जी का शाहिद कपूर बना लूं कि पैसे ही पैसा बरस रहा हो तेरे ऊपर. बना दे भाई बना दे. देख अभी तेरे पास प्रॉपर्टी में कितना कैटलॉग है, सेल परचेज रेंट सबका. भाई ऐसा है, देखो ये धंधा है थोड़ा धक्के खाने वाला इनिशियली, लेकिन एक बार अगर आपका सेटल हो गया तो बहुत नोट छापते हो आप. ये सब कुछ मिला के होगा 50-55 तक. 50-55 प्रॉपर्टीज है तेरे पास? भाई कस्टमर नहीं है ना. तो यही प्रॉब्लम को तो मेरे को सॉल्व करना है. कस्टमर देख मैं लेके आता हूँ, मेरे पास काफी कस्टमर्स भी हैं. जितना मेरे को पता है तो वो बिल्कुल ऑनलाइन काम नहीं करता. तो मैं ये सारा काम करूंगा, तेरी चीजें मतलब सारी हैंडल करने वाला हूँ, कस्टमर लेके आने वाला हूँ, सेल करवाने वाला हूँ. बस मुझे करना पड़ेगा, तेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ 50% पार्टनरशिप करनी पड़ेगी. जो कस्टमर मैं लेके आऊंगा ऑब्वियसली. डन है डन है. ठीक है डन सीन. डन भाई डन. चलो ओके मेरे भाई. तू भाई कॉन्ट्रेरी, उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार जिसके पास 50-60 प्रॉपर्टीज पड़े वो तो कहेगा भाई कोई भी बिकवा दे 50% कमीशन ले ले, पैसा आता किसको अच्छा लगता. ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एक बंदा असाइन करने वाले हैं जो हमारे लिए ऑन फील्ड जाके काम करेगा. ऐसा ना हो लोग सिर्फ मतलब मैं नहीं चाहता यार, देखो मैं अपनी सोशल मीडिया पावर, या आपको पता है मैंने कभी भी आर्ट पार्ट में मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं अपना फुकरा इंसान आइडेंटिटी छुपा के रखूं, बैक एंड पे काम करूं. तो अग्री ये वाली सीरीज के लिए आई अग्री. लेट्स कॉल आवर मैन इन चार्ज तानिश. क्या हाल चाल भाई? हेलो. और तानिश को आप पहचानते होंगे, तानिश ने पूरा ग्रोसरी स्टोर 3 महीने चलाया. तानिश को उसकी ड्यूटी मैंने पूरी समझा दी है. ये लोगों को प्रॉपर्टी मस्त बेचेगा क्योंकि वहां पर ये हार्पिक वार्पिक भी अच्छा बेचता था, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर सब मस्त बेचा इसने. और मैंने इसको बोला है कि ये मुझे कुछ प्रोफाइल्स भेजेगा लड़कियों के जिनको हम शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, जिसको हम बनाएंगे द फेस ऑफ आर न्यू इंस्टाग्राम पेज. अरे वो सही है, लड़कियों के चक्कर में व्यूज तो आएंगे और हाँ लोग भी. का मैंने सोचा है ANM रियलिटीज ऐसा कुछ, मेरे को जो भी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा वो मैं बनाने वाला हूँ. मैं पेज बनाऊंगा और तब तक इसको मैंने बोला है कि ये जाएगा एक बार उनका कैटलॉग भी समझेगा, किस किस को शॉर्टलिस्ट करेगा रील्स बनाने के लिए. और ये काम शुरू करते हैं, मेहनत लगने वाली है. ऑल द बेस्ट. बढ़िया लगता है भाई काम करें. अरे यार ओके गाइस, इंस्टाग्राम के पेज का नाम हमने रख दिया है AM_reality_estate. एंड भाई मॉडल्स की बहुत सारी प्रोफाइल्स आई और मैंने जो एक मिनट चेक करते हैं AM_reality_estate, लेट्स जस्ट चेक इट आउट, ये है भी कि नहीं है. AM_reality_ ओ भाई नकली कितने बन गए बे भाई, कमाल बवाल लोग हैं बे बेंच, सीरियसली वाह वाह, अरे वाह नकली कितने बना दिए. मैं तो एक ढूंढने निकला था, रुको AM_ रुको मैं यहां से दोबारा नाम देखता हूँ. लिस्ट करा है वो आपके यहाँ पर साइड में आ जाएगी. यहाँ पर लड़की का नाम है ज्योति पुनिया और मुझे यहाँ से देखते हैं. सारी प्रोफाइल्स आई और मैंने जो लड़की को शॉर्टलिस्ट कर है, मेहनत लगने वाली है. ऑल द बेस्ट. बढ़िया लगता है भाई गलत काम करें. अरे यार ओके गाइस, इंस्टाग्राम के पेज का नाम हमने रख दिया है AM_reality_estate. ये वाला है, एक आज रील देखते हैं इनकी. आप लोगों के लिए लेके आए पीतमपुरा में एक छोटा सा प्यारा सा घर 150 स्क्वायर यार्ड का. दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम, इसके साथ अटैच वॉशरूम है, बालकनी है एंड वी हैव लाइक कबर्ड्स. फिर आता है हमारा सेकंड बेडरूम with attached washroom again.
एक तो आज है हम पीतमपुरा के 3BHK फ्लैट में और ये है हमारा शानदार सा लिविंग रूम। यहाँ पर टीवी पैनल भी दी गई है। चलो ठीक है, ये तो हो रहा है। और एक सेकेंड, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग फुकरा इंसान एंड अमर अरोड़ा। ठीक है, तनिष शर्मा एंड अमर अरोड़ा। ओके, फेयर इनफ, लेट्स वॉच द वीडियो अहेड। रियलिटी अंडरस्कोर एस्टेट एंड भाई मॉडल्स की बहुत सारी प्रोफाइल्स आई और मैंने जो लड़की को शॉर्टलिस्ट करा है वो आपके यहाँ पर साइड में आ जाएगी। यहाँ पर लड़की का नाम है ज्योति पुनिया और मुझे लगता है ये बोल सकती है, अच्छा खासा बोल देगी। तो इसको हम अभी बनाएंगे स्टार्टिंग के लिए फेस ऑफ AM रियलिटी ऑनलाइन, और ऑफलाइन तो आपको पता ही है हमारा फेस तानिश बन चुका है। तो अब कल से हम अपनी टीम को भेजेंगे काम पे, रील्स बनानी स्टार्ट करते हैं, पोस्टिंग चालू करते हैं और बायर्स को लेके आते हैं। लेट्स गो। जब तक तानिश अमर से कैटलॉग समझ रहा था, हमने ज्योति के साथ रील्स का काम शुरू कर दिया था। ओके, आगे जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए, इनफैक्ट अब 10.5 मिलियन हो गए। तो भाई अरे यार सही है यार, अपने 3 लाख पूरे कराओ बे, करो सब्सक्राइब। टाइम आप लोगों ने इतना प्यार दिया, टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो मैंने सोचा कि मैं 100 मील बॉक्सेस लाऊंगा और इनको बांटूंगा अंडर प्रिविलेज्ड लोगों में। एंड जब ये आइडिया बिनोमो को पता चला तो उन्होंने बोला भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज में, तो थैंक यू टू देम। वाह, दान पुण्य भी स्पॉन्सर्ड है, वाह सही है, अपने अपने टशन है। बिनोमो पे आप लोग भी जाके आप शुरू कर सकते हो एक्स्ट्रा इनकम कमाना एज अ हॉबी, ट्रेडिंग करके सिर्फ। मतलब बिनोमो पे भाई रजिस्ट्रेशन इतना कुछ नहीं करती क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग एक ऐसी चीज है यार, एक भी प्रॉपर्टी बिक जाए या फिर एक दो प्रॉपर्टी रेंट पे, पर भाई एक मिनट, अभी हमने देखा था 1200 कुछ फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वीडियो खत्म होगी तब अपन चेक करेंगे कि कितने हो गए हैं। भाई ये एक एक सेकंड में बढ़ते हैं सब फॉलोअर, जब फुकरा जैसा कोई इन्फ्लुएंसर डालता है वीडियो ना, हर का हिसाब किताब सेट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम अच्छा काम कर रही है, लड़की भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारी पहली रील पे 205 व्यूज है, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं पीतमपुरा में एक छोटा सा प्यारा सा घर, 150 स्क्वायर यार्ड का। वाह, दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम, इसके साथ अटैच वॉशरूम है, ये हमारा कंप्लीट लिविंग स्पेस, एंड देन वी हैव द मॉड्यूलर किचन। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, अगर आपको सेम फ्लोर चाहिए तो वी हैव 1 on 4th floor ऑल्सो। प्राइसिंग थोड़े से हाई है बट आपको प्रॉपर रूफ मिलेगी, एंड देन वी हैव 1 more रूम ओवर देयर एज वेल। तो इट्स नॉट लेस, हमने मतलब फुल प्लान करा कि भाई रेगुलर पोस्टिंग होने वाली है, हर दिखाने वाली है, वो रीलें डलने वाली है, तो इट्स गोना बी फन। आई होप कन्वर्जन अच्छी मिले हमारे भाई, बहुत सही कन्वर्जन है इस काम में, बहुत सही। तो एक इंक्वायरी भी आई है DM पे और भाई ने बोला कि ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी जो पीतमपुरा में हो, 1.25 करोड़ के बजट में हो, 3BHK। आई एम जस्ट होपिंग कि कोई बंदा जल्दी से फाइनलाइज कर दे कि आओ हमारे को प्रॉपर्टी विजिट दिखाओ, क्योंकि बातें बहुत होती है इस धंधे में, काम कम होता है। तो लेट्स गो। सच में भाई बातें बहुत ही होती हैं, बहुत लोगों के DMs आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जस्ट प्राइस की इंक्वायरी लेते थे और कोई एक्चुअली खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं। ओके गाइस, तो काफी दिन से हम रील्स डाल रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छी इंक्वायरीज आए। पहली बार मतलब ऐसा कोई बंदा आया जो कह रहा है आओ भाई हमारे को प्रॉपर्टी दिखाओ। तो शर्मा जी है हमारे, वो अपनी बेटी जी के साथ आ रहे हैं आज शाम को प्रॉपर्टी देखने, और मैंने तानिश को कॉल कर दिया है कि भाई पहुंच जाइए, उनको प्रॉपर्टी दिखा दियो। उनका बजट 1.5 करोड़ का है, रोहिणी में प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, बट अभी जो मिल जाएगी 1.5 करोड़ में रोहिणी प्रॉपर्टी, 60-70 लाख में मिल जाता है यार वहाँ पे, 2BHK तो आराम से, 2BHK मिल जाएगा आराम से 60-70 लाख में रोहिणी में। रोहिणी वाली प्रॉपर्टी हमारी है वो 2.25 करोड़ की है, आई होप लक चल जाए तो लोकेशन बेटर होगी, वो भी थोड़ा अपना बजट बढ़ा ले और ये वाली प्रॉपर्टी डील पहली बार मीटिंग में लॉक इन हो जाए। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगले दिन तानिश पहुंचता है शर्मा जी को लेकर फ्लैट दिखाने। इसमें 4 bedrooms हैं और एक बेडरूम में बाथरूम अटैच्ड है। ये तो 4BHK है ना, मैंने 2BHK बोला, सही। किचन प्लेस है तो किचन स्लैब वगैरह डलनी है और मॉड्यूलर वर्क होगा प्रॉपर।
ऊपर नीचे कैबिनेट्स होंगे, प्रॉपर ड्रॉर्स होंगे सारे। मंदिर वगैरह कहाँ रहेगा? मंदिर ही रहा, यहाँ पे अपना मंदिर रहेगा। थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब काम हो रहा है, बट जब फाइनल आप कर दोगे तो उसके बाद 15-20 दिन में सारा काम करा। लेकिन शर्मा जी एक अनफिनिश फ्लैट को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, तो तानिश उनको नेक्स्ट फ्लैट दिखाने ले चलता है। यहाँ शर्मा जी थोड़े थोड़े कन्विंस, यहाँ पे फर्निश वाला होते हुए दिखे। ये प्रॉपर्टी कितने की है आपकी? ये वाली प्रॉपर्टी 1.8 crore की है, ठीक है। एंड जो भी आपको, अगर आपको लोन भी करवाना है तो आपका लोन भी हो जाएगा। वैसे कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी अच्छी है, नो डाउट। फेसिंग बढ़िया है और स्पेशियस है, बाकी हम सोच के एक बार। सैटरडे है ना, तो सैटरडे के दिन मैं फाइनल नहीं करता प्रॉपर्टी। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को जैसा होना आप बता देना। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ, जो सैटरडे को फाइनल या फिर पेमेंट्स नहीं करते हैं। घर में ही सलाह हो जाएगी तो आपको। ये सुनते ही तानिश मुझे एक्साइटमेंट में कॉल करता है कि शर्मा जी फाइनली कन्विंस हो गए, भाई हमारी पहली प्रॉपर्टी सेल, वो भी पहली बारी में। वी वर सो हैप्पी। लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है एंड शर्मा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तानिश और भी बहुत लोगों को फ्लैट्स दिखाता है। लेकिन सभी बोलते हैं, बताते हैं, फैमिली से डिस्कस करेंगे और ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देके निकल जाते हैं। अब मेरी और तानिश की मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी। यार ये होता है जब इनिशियली आपको क्लाइंटेज नहीं मिल रही, आप कुछ कमा नहीं रहे हो, 15-20 दिन से एक महीना हो गया आप मेहनत कर रहे हो, तो एक पॉइंट आता है जब आप फ्रीक आउट करते हो, ये यार नहीं हो रहा है, तो वैसा वाला सीन है। गाइस मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, बहुत ज्यादा ऑन फील्ड ऑफ फील्ड दोनों जगह बहुत मेहनत चल रही है। मैंने तानिश को बोल दिया है, भाई तेरे को जितनी प्रॉपर्टीज दिखानी पड़े दिखा। वो लिटरली एक एक बंदे को अभी 8-8, 9-9 प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। फिर उसको लगता है कि भाई इसको 9 प्रॉपर्टीज दिखा दी, उसको समझ नहीं आ रहा तो मैं नहीं दिखाता। और मैं उसको बोलता हूँ, भाई इंसान देखो जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है ना, बहुत सोच समझ के करता है, वो 100 ऑप्शंस देखता है फिर एक चीज खरीदता है। अब हमारे पास टोटल 75 प्रॉपर्टी। भाई हैरानी वाली बात यह है कि 9 प्रॉपर्टी दिखाने को तो है, यहाँ पे तो लोगों के पास प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए भी नहीं होती है। और भाई मैं जेन्युइन बताऊं, मैंने एक सेपरेट फोन रखा हुआ है इस चीज के लिए कि भाई मैं भी फॉलो अप कॉल्स मारता हूं कि एक प्रॉपर्टी भाई बिके ना कोई दिक्कत नहीं, रेंट पे चढ़ जाए, रेंट पे भी चढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि यार अगर आप तुम देखो ना, एक दो मतलब पिछली वीडियो से हम पैसे नहीं कमा पा रहे, हम मतलब लॉस में चल रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूं मैं मनी मेक करूं अभी इस वीडियो में। एंड तुम एक बात समझोगे कि हमने ना कितना पैसा भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, हमने मॉडल्स बुलाई, कैमरामैन बुलाए, हम अराउंड 45,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर चुके हैं यहाँ पर। तो भाई मैं लॉस में नहीं जाना चाहता, आई वॉन्ट टू मेक मनी, तो आई होप समथिंग हैपेंस सून। अब मैंने तो जस्ट इमेजिन ना कि अगर मान लो वो 2.25 crore की प्रॉपर्टी बिकती भी है तो इन्होंने 2.5% कमीशन रखा है, तो 2.5% कमीशन के हिसाब से तो मतलब 4-5 lakh रुपए निकालेंगे। साइड करा, पहले मैं इंस्टाग्राम पे एड्स नहीं चला रहा था, बट अब मैं इंस्टाग्राम पे भी एड्स चलाऊंगा और बूस्ट करते हैं पोस्ट, इंक्वायरीज और लाते हैं और प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। होप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंस्टाग्राम पे एड्स चलाने के बाद हमें फाइनली एक उम्मीद की किरण दिखी, रील्स लोगों तक पहुंच रही थी, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आने लगी। तानिश दिन रात जी जान लगाकर हर इंसान को हर टाइप की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कैसे? बढ़िया बढ़िया, आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ, चलो ये इधर ही है, फ्लोर बहुत अच्छा है। लाइक लिटरली ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो बिक जाए, ही वाज नॉट गिविंग अप। नहीं, फ्लैट तो अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली 150 घर, 25 बायर्स एंड एक महीने की मेहनत के बाद हमारे को वो एक कॉल आता है। शर्मा जी का ओके गाइस, तो तानिश का मेरे को कॉल आया एक्साइटमेंट में और वो मुझे कह रहा है कि भाई जिस पार्टी को 7 दिन पहले घर दिखाया था। परचेज की डिमांड क्या है? परचेज की डिमांड कुछ आइडिया? परचेज की 170 के आसपास की है। 170 रिक्वायरमेंट है। हाँ। लास्ट का कुछ आइडिया नहीं मिला, कोई ऑन द टेबल की मैं देखो, अब मैं 170 सामने वालों ने बोला, मैंने 170 क्योंकि मैं तो ब्रोकर ही हूं ना। ओके, तो बाकी ऑन द टेबल वाली बात, ऑन द टेबल वाली बात है। ठीक है ठीक है, तो आप जैसे हो बताना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर तो है। थैंक यू सो मच। ओके भाई, जैसे बनेगी आप बताता हूं। डन डन, थैंक यू। उनकी कंफर्मेशन आ गई है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें घर पसंद है, बस अब मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा डील करवा दो भी होता है कि अब वो जो बायर है वो कह रहे हैं कि भाई जिसका घर है उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग चाहिए और एकदम एग्रीमेंट, मतलब जितना ज्यादा वो डिस्काउंट कराना चाहते हैं वो करवाएंगे, फाइनल रेट डिसाइड करेंगे।
हाँ, पर इसमें से जो भी कमीशन आएगा वो आधा उनको देना पड़ेगा ना, जिनके थ्रू ये लीड्स जनरेट हुई हैं, बेसिकली जो घर की लीड जनरेट हुई है, और उसके ऊपर हमारे को वो कमीशन देंगे, और कमीशन भी फाइनल हो रही है 1.5%, मैंने बोला हुआ है वो 1 पे अड़ रहे हैं, बट आई होप, मैंने कहा है तुम्हें कि 1% ही होता है, तो ढाई वाली तो कोई बात नहीं थी, डेढ़ तक हो जाए यार, डेढ़ तक हो गया तो थोड़ा फायदा हो जाएगा दोनों साइड से, बट फिंगर्स क्रॉस रखते हैं एंड पॉजिटिव उसका इंटेंट और पॉजिटिव अप्रूवल, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए बस, आई होप सो सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, वो भी आ गए तो ठीक है, प्रॉफिट में तो चल रहा है काम, महीने की एक प्रॉपर्टी में भी काफी पैसे निकाल लिए भाई, मैं तो यार बाकी वीडियोस में बिजी था, बट टानिश डिड अ फैंटाबुलस जॉब, किसी जन कूडोस टू हिम भाई, उसने पूरी डील प्यार से एग्जीक्यूट करवा दी, एंड ऑब्वियसली अमर का भी हाथ था इस चीज़ में, क्योंकि सेलर वाली पार्टी से वो आया था, बायर पार्टी से हम गए थे, तानिश गया था, और 1,70,00,000 की प्रॉपर्टी थी जो डील फाइनल हुई, 1,67,00,000, जिसमें 1% हमें कमीशन मिला, मुझे भी और अमर को भी, क्योंकि हमने बायर से कमीशन ले लिया 1%, उसने सेलर से कमीशन ले लिया 1%, तो हमने बनाया 1,67,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इस डील से, एंड भाई अब लगा लेते हैं टोटल हिसाब किताब, हम खड़े कहाँ पर हैं, क्योंकि 1,67,000 रुपीज़ में से 45,000 रुपीस हमने लगाए थे इंस्टाग्राम पे जो मॉडल थी उसको देने में और कैमरामैन को, जो अच्छा प्रॉफिटेबल था उसकी वजह से ये भाई प्रॉपर्टी बिकी है, और उसके बाद हमने आप लगा लो 18,000 रुपए लगाए हैं इंस्टाग्राम एड्स और मार्केटिंग पे बूस्ट करने में, तो 1,04,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमारे को इस वीडियो में, प्लस 1,04,000 का प्रॉफिट हुआ है, चलो प्रॉफिट में तो पहुंचे, 2,75,000 का हमारा पहले प्रॉफिट था, तो टोटल स्टैंडिंग हमारी हो गई यहाँ पर 3,79,000 रुपीस, 3,79,000 रुपीस पे हम आज खड़े हैं। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या और प्रॉपर्टी बेचूं या फिर मेरे को कोई और बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि एक और मास्टरमाइंड है मेरे दिमाग में प्रोडक्ट्स को रिफर्बिकेट करके, रिफर्बिकेट बोलते हैं या रीयूज कुछ है, मतलब डिफरेंट है, रिफर्बिश बोलते हैं उसको बेसिकली, वो टर्म होता है, और वो भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, बट गाइस मैं आपको जेन्युइन बताऊं, अमर ने मेरे को कॉल करा और उसने मेरे को एक बात बोली, कह रहा भाई सोशल मीडिया में क्या पावर है, लिटरली भाई इतनी इंक्वायरीज उसको 3-5 महीने में आती थी जितनी 1 महीने के अंदर आ रही है, तो मैं आपको भी बोलूंगा कि मतलब हर बिजनेस सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकता है, तुम्हें तरीका आना चाहिए, और ये ट्रेडिशनल तरीके छोड़ो, नए तरीके यूज करो, अब मतलब ये पेज अगर आज मैं AM प्रॉपर्टीज, ये जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, मतलब मैं कंटिन्यू नहीं करता तब भी अमर इसको हमेशा कंटिन्यू करेगा और वो वहां पर रील्स डालता रहेगा, तो अगर आपको वहां से कभी प्रॉपर्टी कोई भी चीज खरीदनी हो तो गो फॉलो दैट पेज, एंड वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग, आई लव यू गाइस, बाय बाय। क्या बात है, चलो भाई सीधा सीधा सा सीन है के हम 3,79,000 पे पहुंच गए, और मैंने तुम्हें कहा था कि ये पेज हर सेकंड ग्रो करने वाला है, क्योंकि फुकरे ने प्रमोट कर दिया अपने उसके अंदर वीडियो के अंदर, तो 12,80 थे 13,26 हो गए हैं भाई, तो देख लो मतलब ऐसे ग्रो करता है, 40-50 सब्सक्राइबर तो हमारे देखते देखते बढ़ गए, यानी कि 15-20 मिनट में, अब तुम ये देख लेना कल तक ये 10-12,000 होंगे, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन फॉलोअर जाने वाले हैं इस पेज पे, क्योंकि यहाँ पे जिसको एक्चुअली अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए वो आएंगे, तो इसकी रीच भी बढ़ेगी पेज की, और अच्छे खासे तरीके से ये पेज ग्रो भी कर जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो भैया बाइंग अ कार वाली, मतलब कन्वर्टिंग 1 रुपी इंटू अ कार के केस में 3,89,000 में गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर गाड़ी लेनी है तो फिर भाई 10-12 लाख की तो होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कर दो भाई अगला वाला आइडिया भी इम्प्लीमेंट, तो मज़ा आएगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, विल सी यू इन अदर वीडियो गाइस, जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।